हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद कंचन। और मैं हूँ कंचन। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आटे की एक हेल्दी रेसिपी। तो चलिए फिर से प्रिपेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा एक बड़े कप या एक कटोरी से लें आप आटा। देखिए मैंने इतने आटा लिया हुआ है, इसमें एक बड़े बॉल में लें ताकि आपको मिलाने में प्रॉब्लम ना हो। इतना आटा के साथ मैं इतना बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है कटे हुए धनिया पत्ती और टमाटर, इसको भी ऐड करना है। और मैंने लिया है चॉप किया हुआ ऑनियन और ग्रीन चिल्ली, इसे भी इसमें ऐड करें। और ऑनियन बहुत बारीकी से भी आप कट करके डाल सकते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन, एक चम्मच लगभग अजवाइन, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अनुसार से डालें। और फिर हमें इसमें डालना है ढेर सारा पानी और इसका घोल तैयार करना है। उससे हम बनाएंगे हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आप इसे मॉर्निंग में बनाकर खा सकते हैं जिन्हें ऑफिस जाना होता है, या फिर जो जल्दबाजी में कुछ बनाना चाहते हैं। तो इसमें आपको ये होगा, आप अगर चटनी सॉस के साथ भी आप इसे खा कर जा सकते हैं। और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है, 10 मिनट में। तो चलिए मैं हाथों से इसे मिला रही हूँ क्योंकि थोड़ा आटा को मिक्स करने में प्रॉब्लम होता है। तो पहले मैं आटे को ऐसे मिक्स कर लूँगी। आप बिल्कुल ना गाढ़ा ना पतला, इस तरह से कंसिस्टेंसी में इसका घोल तैयार करें। ये देखिए इस तरह से घोल तैयार कर लिया है मैंने। इसे इस तरह तवे पर डालें और आप चाहे तो हाथों के सहारे से फैला सकते हैं। और मैं ऐसे ही राउंड कर रही हूँ तवा को उठाकर, बिल्कुल इस तरह से आप फैला के इसे राउंड शेप दें। ये सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। बच्चों को लंच में भी इसे दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। अब थोड़ा सा हल्का जब पक जाइए ऊपर से, तो हल्का सा साइड में तेल ग्रीस करें, ऑयल डालें। उससे क्या होगा, उसका सतह छोड़ेगा, साइड कॉर्नर उसका को छोड़ देगा, तो उससे आपको पलटने में परेशानी नहीं होगी। ये देखिए थोड़ा निकल चुका, मैं इसे पलट देती हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरह से इसे पकाना है, दोनों तरफ से उलट पलट कर हल्का गोल्डन होने तक पकाना है इसे। और यकीन मानिए आप इसे बनाकर एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये, और बहुत ही झटपट बनने वाला ये ब्रेकफास्ट है। और अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे, तो आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें आप सब। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इसी तरह से हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आऊंगी। ये देखिए मेरा प्रिपेयर हो चुका है इस तरह से। तो आप इसे बड़े को भी लंच में या ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। चलिए आप इसी तरह से इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।